पीडी शर्मा ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और जनता को दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मेरा बूथ सबसे मजबूत का लाभ भाजपा को मिला। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि आज तक के इतिहास का रिकॉर्ड बना है। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी की पहली कार्य समिति की बैठक के बाद बीडी शर्मा ने कहा, ये हमारी ऐतिहासिक जीत का जश्न था। हमने अभी 80% बूथ जीते हैं, 20% बूथ बच गए हैं जिसे अगले चुनाव में जीतना है। 7 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां विधानसभा चुनाव में जीत मिली लेकिन लोकसभा चुनाव में हार गए, इसकी हमें समीक्षा करना है। आज हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में और लोकसभा में विजय का इतिहास बनाने के बाद मंडल अध्यक्षों से लेकर के ऊपर के सभी कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी बड़ी टीम है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि हमने जो सफलताएं प्राप्त की हैं वो टीम स्पिरिट की भावना से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की अथक मेहनत और परिश्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने जो विश्वास दिया है और गरीब कल्याण की योजना हमारी जो ताकत है डबल इंजन की सरकार की, इस आधार पर आज ये कार्यकारिणी गौरव से भरी हुई कार्यकारिणी थी, उत्साह और उमंग से भरी हुई कार्यकारिणी थी। जीत का जज्बा हमारे कार्यकर्ताओं में जो था, आज उसका प्रकटीकरण इस कार्य समिति के अंदर भी हुआ है और हमने संकल्प लिया है कि हमने 80% से ऊपर बूथ जीते, जो 19% के करीब बचे हैं उन्हें आगामी समय में जीतने का संकल्प, और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र के मजबूती के साथ और मैदान में उतरेगी, इस संकल्प के साथ हमारी कार्य समिति आज पूरी हुई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।